फ्लूइड। पहले थोड़ी सी बात एमनियोटिक फ्लूइड की फॉर्मेशन से रिलेटेड, बिकॉज जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज हैं वो रिलेटेड टू इट्स प्रोडक्शन है, या फिर इस प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए या फिर इसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, दोनों सूरतों में आपकी जो फ्लूइड है ना दैट बिकम्स एक्सेसिव और दैट बिकम्स रिड्यूस्ड। बेबी अपने फ्लूइड के अंदर मूव करता है, इस फ्लूइड की वजह से सांस लेता है, इसी से एक्सचेंज ऑफ सिक्रीशंस होती हैं, एक्सक्रीटा इसका सारा फ्लूइड के अंदर मूवमेंट इज ऑल रिलेटेड टू द एमनियोटिक फ्लूइड दैट इट हैज। ये क्वांटिटी बढ़ जाए तब भी मुश्किल, ये क्वांटिटी कम हो जाए तब भी मुश्किल, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो इट हैज़ टू हैव बी इन एन अप्रोप्रिएट अमाउंट सो दैट द बेबी कीप्स ऑन enjoying inside. Start जब होती है pregnancy, this is the first trimester ultrasound. आप देखिए कि baby is just 1-3 2-3 centimeter. It is its 11 weeks ultrasound है और baby is moving and bouncing in the amniotic fluid around. So this amniotic fluid from the very beginning is important in the movement of the baby, in the nutrition exchange. इस एमनियोटिक सैम्पलिंग करके अब तो खैर बहुत सारे नॉन इन्वेजिव टेस्ट आ गए हैं, वरना हम जब स्टूडेंट्स थे और पीजीआर से तो इस एमनियोटिक फ्लूइड को ही सैम्पल करके तो डीएनए भी एनालिसिस किया जाता था बेबी का। नाउ एमनियोसिंथेसिस इज नॉट दैट डन। सो एडवांटेजेस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, अलाउज रूम फॉर ग्रोथ, जाहिर जगह होगी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, जगह होगी तो उसको बेबी ग्रो करेगा, मूवमेंट होगी, डेवलपमेंट होगी। दूसरी बात यह है कि इट जीआईटी में बेबी से कॉन्स्टेंटली एनगल्फ करता रहता है फ्लूइड, और वो इसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं दे ऑल्सो हेल्प द जीआईटी सिस्टम ऑफ बेबी टू मेच्योर। पल्मोनरी डेवलपमेंट होती है 20 वीक्स ऑनवर्ड्स, क्योंकि ज़ाहिर है फ्लूइड स्पेस होती है तो लंग्स की कैपेसिटी बिल्डिंग होती रहती है। किसी भी किस्म के माँ को कोई भी ट्रॉमा हो तो एमनियोटिक फ्लूइड एक्ट्स एज अ कुशन, कुशन एक्ट करता है और वो जो भी स्ट्रेस बाहर से माँ पे आता है वो उसको सस्टेन कर जाता है, डायरेक्ट ब्लो टू बेबी नहीं होता। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल टेम्परेचर मेंटेनेंस में भी है, और उससे भी इंपॉर्टेंट रोल एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है इसके अंदर। वेन एवर द मेम्ब्रेन्स रप्चर, फ्लूइड ये जो कवरिंग है, कुशन है एमनियन का, खत्म हो जाए तो द फर्स्ट थिंग दैट हैपन्स टू द बेबी इज के उसकी इन्फेक्शन सेट इन हो जाती है। और जब एमनियोटिक फ्लूइड रप्चर हो जाए तो इट इज जनरली सेड के आपने एंटीबायोटिक कवर जरूर देना है, और इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट द बेबी डिलीवर्ड विद इन 48 आवर्स। अगर प्री टर्म है तो फिर कभी कभी 7 डेज तक लेके जाना पड़ता है, लेकिन बताया यही गया है कि जितना लंबा करते हैं बच्चे के अंदर जो इन्फेक्शन सब क्लिनिकल सेट हो जाती है, कोरियो एमनियोनाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ एमनियन हो जाती है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बेस्ट इंक्यूबेटर इज मैटरनल वूम, सबसे अच्छा इंक्यूबेटर है। एक तो सबसे पहले फ्री है, कोई पैसे नहीं देने पड़ते, बाहर आप इंक्यूबेटर में बच्चा रखो तो आपको रोज के 10,000 रुपये देने पड़ते हैं, और सरकारी सेटअप में एक इंक्यूबेटर में दो दो बच्चे डाले होते हैं जो कि एक दूसरे को इन्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। हमारी पॉपुलेशन पता नहीं इस मुल्क की कब कंट्रोल होगी। सो एंटीबिक जो आपका बेस्ट इंक्यूबेटर है, टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, इन्फेक्शन से बचा रहा है, और बोथ ऑफ दिस आर रिलेटेड टू द एमनियोटिक फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन द अराउंड द बेबी। और जब एमनियोटिक फ्लूइड रिलीज हो जाए तो ऑब्वियसली इसमें प्रोस्टाग्लैंडिंस होते हैं। वन ऑफ द मेथड्स ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर इज ARM, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जिससे एमनियोटिक फ्लूइड हम रिलीज कर देते हैं। So that prostaglandins aid in the cervix dilatation. Amniotic fluid produced कहाँ से हो रहा होता है? आप देखिए maximum production is basically from the urine of the baby. बच्चा urine बनाना शुरू कर देता है बहुत जल्दी, और जू जू urine उसका hormone urine बढ़ता है, और तकरीबन term पे almost 1000 milliliter यानी 1 liter के around urine production daily हो रही होती है, और वो वापस स्वॉलो कर लेता है, बच्चा वापस स्वॉलो कर लेता है, स्वॉलो करता है फ्रॉम माउथ, और वो ही दोबारा यूरिन बनकर उसकी किडनी से दोबारा एक्सक्रीट होता रहता है। तो एक अच्छा सा सर्कल चलता रहता है। तो इन या किडनी में कोई ट्रबल हो जाए
या स्वॉलोइंग में कोई ट्रबल हो जाए, दोनों सूरतों में ये बैलेंस खत्म हो जाएगा। यूरिन प्रोडक्शन बेबी की किडनी डिजीज है उसको, या उसको कोई यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी है, उसकी किडनी प्रॉपर यूरिन नहीं बना रही, तो दे आर इज गोइंग टू डिक्रीज द एमनियोटिक फ्लूइड प्रोडक्शन, और एमनियोटिक फ्लूइड डिक्रीज हो जाएगा, ऑलिगोहाइड्रामनोस हो जाएगा। या उसका स्वॉलोइंग मैकेनिज्म खराब है, उसका कोई ईसोफेजियल एट्रीजिया है, ड्यूटनल एट्रीजिया है, या वो एनेनकैफली है, उसका प्रॉपरली स्वॉलोइंग मैकेनिज्म ही नहीं है, तो ये प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, यहाँ से ये एरो कम हो जाएगा। ठीक है, यूरिन फ्लो कम हो जाए तो बनना कम हो जाएगा, स्वॉलोइंग कम हो जाए तो यहीं पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। बोथ वेज द मेजर कॉजेज ऑफ ऑलिगोहाइड्रामनियोस इज यूरिन किडनी प्रॉब्लम, यूरिन बन नहीं रहा, और मेजर कॉज ऑफ पॉली इज स्वॉलिंग नहीं हो रही उसकी, यानी कि कोई जेनिटल एबनॉर्मेलिटी है। जो रेस्ट ऑफ द सोर्सेज है, लंग फ्लूइड भी हेल्प करता है, लंग्स के थ्रू भी एक्सुडेशन होती है फ्लूइड की, और कुछ ट्रांस मेम्ब्रेनस भी होती है, मेटर्नल मेम्ब्रेन से भी एक्सुडेशन और ट्रांसडक्शन होती है, जिसकी वजह से पेशेंट का ट्रांसुडेट इन द फॉर्म ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इकट्ठा होता है, बट दैट इज लेसर एज कम्पेयर टू यूरिन फ्लो एंड एज कम्पेयर टू स्वॉलोइंग। सो मेजर मैकेनिज्म ये है, मेजर सोर्स यूरिनेशन है, 1000 पर डे एट टर्म बनता है। आप देखो इसका मतलब एमनियोटिक फ्लूइड टोटली रिप्लेस हो जाता है ऑलमोस्ट एवरी 24 आवर्स, इतना ब्रिस्क मैकेनिज्म चल रहा होता है। 1 लीटर अ डे यूरिन प्रोडक्शन, और वही स्वॉलो हो जाता है और फिर उसके बाद रिप्लेस होता रहता है। ये फीटल स्वॉलोइंग आपको दोबारा समझाई, ये फीटल स्वॉलो किया, लाइकर में बेबी बैठा हुआ है, यहाँ से स्वॉलो किया, इंटेस्टाइन्स में गया, कुछ एक्सचेंज टू स्किन भी हुआ, फिर यूरिन प्रोडक्शन से वापस आया, फिर वापस इनहेल हो गया। समथिंग सम मूवमेंट बिटवीन मेटर्नल एंड फीटस, जिसके अकॉर्डिंगली थोड़ी सी ट्रांसफर अक्रॉस कोरियोनिक प्लेट भी होता है 200 ml के अराउंड, लेकिन मेजॉरिटी जो है आपका यूरिन प्रोडक्शन इज द मेन कॉज। आप देखिए कि विद टाइम फ्लूइड बढ़ता चला जाता है, और जैसे मैंने आपको कहा कि ऑलमोस्ट 1 लीटर के करीब टर्म पे नॉर्मल फ्लूइड होता है, एंड दिस इज और एंड पे जाके इट स्टार्ट डिक्लाइनिंग, जनरली 42 पे काफी हद तक कम हो जाता है। तो दिस इज अ नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड ग्राफ। अब इस एमनियोटिक फ्लूइड को हमने मैयर कैसे करना है? जाहिर है 1000 ml उसको बकेट में डाल के तो मैयर नहीं कर सकते हम, ठीक है। अबाउट 36 पे जैसे मैंने बताया, इस रेंज को नॉर्मल मैयर करने के लिए अल्ट्रासाउंड इज अ सिंपल एंड इजी टर्म, इजी थिंग टू मैयर। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स एक नॉर्मल मैयरमेंट है अल्ट्रासाउंड पे 5 to 25 cm एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है नॉर्मल। क्या आप उसको 3 पॉकेट्स मैयर कर लेते हैं और उसका एवरेज निकाल लेते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स दैट इज 5 to 25 cm। अगर 5 सेंटीमीटर से लेस है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स तो उसको ऑलिगोहाइड्रामनोस लेबल कर देते हैं, ऑलिगो मीन्स लेस, और अगर 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो पॉलीहाइड्रामनोस। तो इट्स अ बिग रेंज, क्योंकि मैंने आपको बताया इट्स वेरिएबल, कभी फ्लूइड एब्जॉर्ब मुस्तकिल हो रहा होता है, लेकिन 5 to 25 cm इज अ नॉर्मल रेंज। तो जब भी हम सस्पेक्ट करते हैं कि पेशेंट हैज पॉली और ऑलिगो हाइड्रामनियोस तो वी गेट एन अल्ट्रासाउंड डन। उसके अलावा दूसरा मैयरमेंट जो अल्ट्रासाउंड पे करते हैं, सेंटाइल्स भी हैं और मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट भी मैयर करते हैं कुछ अल्ट्रासाउंड पे, जिसमें कि कोई आपके दरमियान में स्ट्रक्चर ना हो, जैसे कोई बेबी का स्ट्रक्चर नहीं है, ओनली लाइकर वॉल्यूम इज बीइंग मैयर्ड, और लाइकर वॉल्यूम जो मैयर हो रहा होता है सिंगल वर्टिकल पॉकेट, उसको आप मैयर कर लेते हैं। ये देखें, दिस इज अ सिंगल वर्टिकल पॉकेट एंड इट इज जनरली सेड कि 8 सेंटीमीटर की, 2 to 8 cm ये वर्टिकल पॉकेट होनी चाहिए। अगर ये लेस देन 2 सेंटीमीटर है या ये मोर देन 8 सेंटीमीटर है एक पॉकेट, तो जनरली इसको उस हिसाब से भी लेबल किया जाता है। तो इट इज एस्टिमेटेड कि 2 to 8 cm होगी, ये आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पे लिखा होता है। तो देर आर टू वेज, रादर 3 वेज सेंटाइल्स भी हैं, वो भी लिखते हैं कि लेस देन 5th सेंटाइल है या 95th सेंटाइल है। तो देर आर 3 वेज ऑफ मेयरिंग एमनियोटिक फ्लूइड ऑन अल्ट्रासाउंड, क्योंकि आप क्लिनिकली तो सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड आपको एग्जैक्ट मेयरमेंट देता है। वन इज एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स,
5 to 25 सेंटीमीटर होता है। पेशेंट को कई दफा अल्ट्रासाउंड वाले लिख देते हैं बड़ा सा जी लाइकर वॉल्यूम लेस है, लेकिन वो होता 8 सेंटीमीटर है या 7 सेंटीमीटर है। अब उस पर पेशेंट बहुत एंग्शियस हो जाता है कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का पानी कम हो गया, अब मेरे बच्चे को क्या नुकसान होगा। फिर वो ऊपर से गूगल कर लेते हैं, उसमें 100 तरह के नुकसान लिखे होते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको रियलाइज हो, आप उसे काउंसिल करें कि अभी 5 सेंटीमीटर तो बिल्कुल नहीं हुआ, तो इट इज नॉट लेबल्ड एट हाइड्रो ओलिगोहाइड्रोमियोस। उस पर इतनी तरह की ट्रीटमेंट शुरू हो जाती हैं। कई दफ़ा पेशेंट यू सी मैंने आपको हमेशा एज अ डॉक्टर बताती हूँ कि आपकी और सब फील्ड में बहुत फ़र्क है, क्योंकि आप पेशेंट की इमोशंस के साथ इन्वॉल्व हैं। पेशेंट बेबी के लिए एंक्शियस होता है, एवरीबडी वॉन्ट्स हेल्दी इंटेलिजेंट बच्चा, नोबडी वॉन्ट्स कि उसके बच्चे में कोई ट्रबल हो। तो दे आर इट्स अ डे इन एंड डे आउट रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स, और उसमें अगर आपकी कुछ भी ऐसी एंजाइटी हो तो आपका नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट टू गेट इट एड्रेस्ड। ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स और वर्टिकल पॉकेट पूल, ये 2 मेजरमेंट्स हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि लाइकर इज नॉर्मल नॉट। सो पहली बात हो गई एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स की, एमनियोटिक फ्लूइड की प्रोडक्शन, उसकी एक्सक्रीशन, उसकी सर्कुलेशन, एंड देन हाउ टू मेजर एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, अब हम बात करेंगे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों की कि एबनॉर्मैलिटीज क्या हो सकती हैं। रिड्यूस अमाउंट, ठीक है, रिड्यूस अमाउंट में क्या होगा, या तो पॉकेट लेस देन 2 सेंटीमीटर है, 1 मेजरमेंट लेस देन 5th सेंटाइल है, कुछ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स पे भी ये लिखी होती है, और तीसरी एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स लेस देन 5 सेंटीमीटर है। आप देखिए कि सिंपल अल्ट्रासाउंड पे तीनों चीज़ें डायग्नोज हो जाती हैं। गायनाकोलॉजी मैंने हमेशा कहा कि आपका क्लिनिकल एक्यूमेन अच्छा हो और आपके पास एक अल्ट्रासाउंड मशीन हो तो यू कैन ऑलवेज मैनेज मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स। ओके, ओलिगोहाइड्रोमियोस हो जाए तो कॉजेस भी डिस्कस कर लेते हैं और प्रॉब्लम्स भी। ठीक है, जितना पानी बच्चे के इर्द गिर्द कम हो जाएगा यू सी उसकी मूवमेंट का कम हो जाएगा, उसकी जाहिर है वो पूरी फ्रीली अपने हाथ पांव टांगे हिला नहीं पाएगा, जितनी जगह कम हो जाएगी उसकी बाउंसी मूवमेंट्स नहीं हो पाएंगी। सो सबसे पहले पेशेंट को कंप्लेंट होती है डिक्रीज मूवमेंट्स की, पेशेंट कहते हैं मुझे डिक्रीज हो गई है मूवमेंट, प्रॉपरली मूव नहीं कर रहा बेबी। प्री एम्ब्लाइकल कॉर्ड कंप्रेशन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर है वो जो बच्चा ढेर सारे पानी में घूमता फिरता है वो जाहिर है एक छोटे से पानी में जहाँ से तंग होना शुरू हो जाएगा। और उसके अलावा इन एडिशन टू दैट, चले पहले कॉजेस कर लेते हैं। सो कॉजेज में सबसे पहला कॉज इज प्रीक्लेम्सिया। प्रीक्लेम्सिया में डिक्रीज चूंकि यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशेंसी हो जाती है, इसकी वजह से पेशेंट डजंट हैव एनफ लाइकर। ठीक है, यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशेंसी लीडिंग टू डिक्रीज अमाउंट ऑफ लाइकर प्रोडक्शन। प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी में भी अगेन आपकी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। फीटल एबनॉर्मैलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। रीनल एजेनेसिस, बाज़ा बहुत किडनीज ही बनी नहीं होती या मल्टी सिस्टिक किडनी होती है, किडनीज की वजह से यूरिन प्रोडक्शन रुक जाती है। कभी कभी ऐसे होता है कि मेल फीटस में यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, बाय यूरिथ्रल वाल्व होता है, मेल फीटस में वो यूरिन ऑब्स्ट्रक्ट हुआ होता है और उसकी वजह से लाइकर फॉर्मेशन कम हो जाती है। मैं हमेशा सो कहती हूँ कि दिस इज़ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक पेशेंट जब आपके पास ये बच्चा आए। पेशेंट आता है जनरली 30 वीक्स में, अब यूरिथ्रल वाल्व ऑब्स्ट्रक्शन, मेल बेबी है, उसका यूरिन बना नहीं रहा है। ठीक है, इट इज़ एमिनेबल टू सर्जरी, आपके पास अब आया है आपने दे। अब लेकिन जब उसका लाइकर डिक्रीज हो गया तो उसकी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं, और 30 वीक्स पे अभी पेशेंट प्रीमेच्योर होता है। अब उस टाइम बेबी को डिलीवर करके आप उसका यूरिथ्रल, जाहिर है जो ही उसका यूरिथ्रल वाल्व की सर्जरी करेंगे तो उसकी यूरिन प्रोडक्शन ठीक हो जाएगी, बेबी अदरवाइज नॉट एबनॉर्मल, लेकिन 30 वीक्स की आइट्रोजेनिक प्रीमेच्योरिटी भी बहुत बड़ा इशू होता है। जो रीनल एजेनेसिस के पेशेंट्स हैं या मल्टीसिस्टिक किडनीज हैं, इसमें तो बेबी ने सर्वाइव करना ही नहीं होता, इसमें तो आप टर्मिनेशन की ऑप्शन दे देते हैं पेशेंट को कि आपके बेबी में स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है तो बेबी इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव, इसमें आप बेबी को टर्मिनेट कर देते हैं प्रेगनेंसी। ईजियर मतलब मदर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए ट्रॉमेटिक है, लेकिन डॉक्टर के लिए डिसीजन ईजी है। जो ये यूरिथ्रल वाल्व की ऑब्स्ट्रक्शन होती है मेल बेबी में, इसमें बहुत डॉक्टर के लिए डिफिकल्ट डिसीजन होता है टू बैलेंस द बेबीज लाइफ वर्सेस प्रीमेच्योरिटी। 30 हफ्ते पे बच्चा निकालना फिर उसको, इट्स वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, मैं हमेशा कहती हूँ।
क्योंकि लाइकर डिस्क्रीज होने से सारी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं जो भी आपसे डिस्कस करते हैं. समटाइम्स एनएसएड्स टर्म पे मदर्स ले रही होती हैं बगैर ड्यू टू एनी रीजन. एनएसएड्स डिक्रीज लाइकर प्रोडक्शन और सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि इस तरह से हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट है पूछना. कंटिन्यूस ड्रेनेज ऑफ लाइकर, प्रीमेच्योर रेप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो जाती हैं कई दफ़ा, प्री लेबर रेप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, दैट ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज. और मेजॉरिटी में इडियोपैथिक भी हो, मतलब काफ़ी हद तक इडियोपैथिक भी होता है. अब फीटल रिस्क क्या होंगे कि जाहिर है प्रेशर इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, थोड़ा सा लाइकर है, बच्चे की मूवमेंट माँ को कम फील होगी, कॉर्ड कंप्रेशन शुरू हो जाएंगी, लंग्स प्रॉपर एक्सपैंड नहीं करेंगे, इन यूट्रो पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो जाते हैं, और अल्टीमेटली जब कॉर्ड कंप्रेशंस ये सारा कुछ होना शुरू हो तो फीटल हाइपोक्सिया सेट इन हो जाता है बिकॉज द बेबी कांट, और लेबर पेशेंट से ले नहीं जा सकती क्योंकि लेबर पेन्स जो ही आती हैं यूट्रस के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आती है तो बेबी इज अनेबल टू सस्टेन दैट कॉन्ट्रैक्शन और हाइपोक्सिया हो जाता है. अगर आप इसको मैनेज नहीं करेंगे तो फीटल डेथ कैन अकर और पेरिनेटल मोर्टेलिटी हाई है. ठीक है, उसके अलावा मैल प्रेजेंटेशंस का रिस्क बढ़ जाता है, कोरियोमियोनाइटिस हो जाता है, तो प्री प्रोमेर सिजेरियन सेक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट कैन, क्योंकि जाहिर है आपने अगर लेबर पेशेंट ले नहीं पाएगा तो दैट विल बी डिफिकल्ट. कॉम्प्लिकेशंस फीटल प्रीमेच्योरिटी, जैसे मैंने आपसे कहा इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ, अब प्रीमेच्योर बच्चे की डिलीवरी करनी पड़ती है अगर उसका ये ट्रबल आ रहा है. अगर डिलीवरी नहीं करेंगे तो बेबी इज गोइंग टू डाई इन यूट्रो. डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, जाहिर है मैंने जैसे कहा कि बच्चा कंप्रेस स्पेस में पड़ा हुआ है तो वो पाँव या टांगे जिस जगह पे बन गई हैं वो कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं और ये बहुत मुश्किल होते हैं. बाद में ऑर्थोपेडिक्स वो फुट पहनने पड़ते हैं, फिजियोथेरेपी होती है, तो इट्स अ लॉन्ग टीडियस प्रोसेस विच पेरेंट्स अंडरगो. ठीक है, पल्मरी हाइपोप्लेजिया से बेबी के लंग्स एक्सपैंड नहीं करेंगे तो मोर्टेलिटी बहुत आई है ऐसे पेशेंट्स में. ठीक है, ये सारी चीज़ें, अगर फीटल डिस्ट्रेस होगा तो मेकोनियम एस्पिरेशन का भी चांस होगा, आपको लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया है, डिस्ट्रेस से मेकोनियम एस्पिरेशन एडिंग टू पेरिनेटल मोर्टेलिटी. सो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आर एसोसिएटेड विद द फीटसेस हु हैव डिक्रीज लाइकर प्रीमेच्योरिटी. आइट्रोजेनिक प्रीमेच्योरिटी जनरली, अगर आप प्रीमेच्योरली डिलीवर नहीं कराएंगे बच्चे को तो लाइकर पेट में है कोई नहीं तो फिर वो हाइपोक्सिया स्टार्ट हो जाएगा, इंट्रायूटराइन फीटल डेथ का इम्कान होगा. अगर उसके अलावा अगर बेबी डिलीवर भी कर दें प्रोलॉन्ग उसकी ओलिगो के साथ तो डिफॉर्मिटीज का बहुत चांस होता है, कॉन्ट्रैक्चर्स, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया से बाद में लंग्स एक्सपैंड नहीं करते क्योंकि वो डेवलप ही नहीं हुए होते. अगर अर्ली लाइकर डिक्रीज होना शुरू हो जाए, इट इज लेस देन 20 वीक्स पे जब डिक्रीज होना शुरू हो जाए तो लंग डेवलपमेंट ही हैम्पर हो जाती है. ओके, इसके अलावा मेटर्नल कॉम्प्लिकेशंस भी हैं. ठीक है, जाहिर है पेशेंट की मॉर्बिडिटी बढ़ जाती है, यूट्रस अगर वो लेवर में खुद से भी चली जाए, अगर हम स्पेशली एनेनकेफली बेबी है या सॉरी एनेनकेफली नहीं, रीनल एजेनेसिस है, आपने उसे इंड्यूस किया है तो कई दफ़ा प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है. और फीटल हाइपोक्सिया और फीटल डिस्ट्रेस और मेकोनियम की वजह से इंक्रीज ऑपरेटिव इंटरवेंशन भी करनी पड़ती है. So it adds to the mother's distress. So clinical scenario, आपसे discuss कर लें. Mrs. CW, 30 years old patient आता कैसे आपके पास? ठीक है. Presents with the decreased fetal movement, primary gravida है और 32 weeks उसकी gestation age है. आपने examine किया तो fundal height 29 centimeter. Examination पे you can get an idea के liker volume ठीक है कि नहीं है. So, अब आप बताइए कि आप उसे कैसे मैनेज करेंगे. जी जनाब. मैम पहले तो अल्ट्रासाउंड करेंगे, नॉर्मली स्कैन करवाएंगे, देखेंगे कि ब्लैडर फिल्ड है बच्चे का कि नहीं. ठीक है, उससे पहले कुछ अल्ट्रासाउंड से पहले क्या बात? ब्लड प्रेशर चेक करेंगे. यस, एक्सेलेंट. रीड लंग्स उससे भी पहले. गुड ऑर्डर.
पहले आपने इन्वेस्टिगेशन बोली, फिर आपने एग्जामिनेशन बोला, उससे पहले क्या होता है? मैम हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री जी जी बिल्कुल। हिस्ट्री में आपसे पूछेंगे कि शी हैज बीन सीइंग सम डॉक्टर 30 वीक्स पे आपके पास आई है, पहले कहीं चेक करवाती रही है, क्वांटिनेटल रिकॉर्ड है, किसी ने पहले कुछ बताया, ब्लड प्रेशर का पेशेंट तो नहीं है, ऑलरेडी मेडिसिन तो नहीं ले रही, डायबिटीज तो नहीं है, और उससे भी पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि वो डेट्स भी सही बता रही है आपको कि नहीं, है ना। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि पेशेंट कई बार डेट्स भूला होता है। जब भी डिस्क्रिपेंसी आए फंडल हाइट और जेस्टेशनल एज की, तो डिफरेंशियल में दो इम्पॉर्टेंट बातें आपके जहन में आनी चाहिए। वन इज कि आपकी मिस्टेकन डेट्स है, दूसरा जाहिर है ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है कि भी ड्यू टू एनी रीजन। सो हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन, इसका सीक्वेंस उसी तरह फॉलो होता है। एक्चुअली आप पेशेंट से जब मिलते हैं तो जरूर बातें जरूर पूछते हैं। जो भी डॉक्टर सबसे पहले अल्ट्रासाउंड देखता है ना, वो बिल्कुल गलती करता है, बिकॉज फिर आपका माइंड बिल्कुल उस तरफ चलना शुरू हो जाता है। तो शुड ऑलवेज गो इन दिस सीक्वेंस। पेशेंट मेरे सामने मेरे पास आते हैं ना, तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड मेरे पास रखने को रखते हैं कि मैडम ये देखें, मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मेरे बच्चा छोटा है। फिर मैं पहले कहती हूँ कि आप अल्ट्रासाउंड 2 मिनट रखें, पहले मुझे हिस्ट्री लेने दें, मैं आपका ब्लड प्रेशर ले लूँ, एग्जामिनेशन, और फिर इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, ठीक है। सो पहले हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, देन मेक अ डिफरेंशियल डायग्नोसिस। जनरली स्मॉल फॉर डेट्स एंड फंडल हाइट की दो डिफरेंशियल्स होती हैं। एक है मिस्टेकन डेट्स, कि पेशेंट को अपनी डेट ही याद नहीं, असल में तो बिल्कुल ठीक है, और दूसरा है ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन जब भी, इसमें फिर हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है कि कोई पीवी लीकिंग तो नहीं हुई, हाइपरटेंशन की डिजीज तो नहीं है, अगर उसको लाइकर वॉल्यूम कम हो रहा है तो कोई वजह भी हो सकती है, रीनल डिजीज की हिस्ट्री, हाइपरटेंशन नहीं है, किसी ने कोई कंजेनिटल एनोमली बताई उसको, एनएसएच तो नहीं बहुत सारी ले रही। सो इन्वेस्टिगेशन से पहले इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, और जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि उसका ब्लड प्रेशर जरूर देखेंगे, बिकॉज ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन की फर्स्ट डिफरेंशियल इज हाइपरटेंशन एंड सेकेंड इज ऑब्वियसली एनी कंजेनिटल एनोमली। सो अल्ट्रासाउंड से हमें बहुत सारा पता चल जाता है, अल्ट्रासाउंड से फीटल बायोमेट्री पता चल जाएगी कि बच्चे की ग्रोथ कॉरेस्पॉन्ड कर रही है कि नहीं कर रही, एमनोटिक फ्लूइड इंडेक्स उसका कैसा है, क्योंकि IUGR में भी एमनोटिक फ्लूइड इंडेक्स कम हो जाएगा। फिर डॉपलर अल्ट्रासाउंड, उसको डॉपलर एम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर उसको बताएगा कि उसके एम्बिलिकल वेसल्स का फ्लो ठीक है कि नहीं। अब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन और कंजेनिटल एनोमलीज, ठीक है। फुल ब्लड काउंट, ऑब्वियसली उसकी मैलरिस्टमेंट, एनीमिया भी समटाइम्स लीड टू स्मॉलर बेबीज, लो बर्थ वेट बेबीज की बहुत बड़ी रीजन एनीमिया है। तो जीपी में इन एडिशन टू बीपी उसका पैलर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इतनी न्यूट्रिशन की बातें हो रही हैं हर जगह, पैलर और एनीमिया इज अ वेरी मेजर रीजन ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो आपने दो चीज़ें हमेशा जहन में रखनी है, या मिस्टेकन डेट्स है या IUGR है। IUGR की दो ही मेन रीजंस हैं, या एनोमलीज हैं, बल्कि एनीमिया भी डाल लेती हूँ, एनोमलीज हैं, एनीमिया है और आपकी हाइपरटेंशन है, ये मेन रीजंस हैं फॉर ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। और कई दफ़ा बच्चे में स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, क्रोमोसोमल नहीं होती, ये भी मैं आपको बता दूँ। सो जो रीनल एजेनेसिस है या पॉलीसिस्टिक किडनीज है, ये जनरली स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज में आती हैं, क्रोमोसोमल में नहीं। तो दे आर डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में रीनल एजेनेसिस आया है, ठीक है, और लाइकर वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर है, क्या मैनेजमेंट करें? इस पेशेंट का जिसका 30 वीक्स की फंडल हाइट थी, 32 वीक्स की जेस्टेशन थी, उसकी रीनल एजेनेसिस है। वैसे रीनल एजेनेसिस जनरली बड़ी जल्दी पिक हो जाती है, लेकिन कभी कभी पेशेंट लेट हो जाती है कि वो लेट भी आती है, वरना जनरली ये पेशेंट 28 वीक्स पे प्रेजेंट कर जाते हैं, 22 वीक्स पे, और फंडल हाइट तकरीबन कुछ 6 सेंटीमीटर कम होती है, क्योंकि 20 वीक्स के बाद मैक्सिमम लाइकर प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। अब पेशेंट की क्या काउंसलिंग करनी है, उसकी बच्चे की किडनीज तो है ही नहीं। मैम हम बताएंगे कि सर्वाइवल रेट काफी नहीं होता, मतलब सर्वाइव नहीं करता बच्चा, तो इट्स बेटर टू अबॉर्ट। और 30 वीक से क्या उसका, वो कहेगा डॉक्टर साहब कोई तरीका बताएं कि मेरा बेबी सर्वाइव कर जाए।
आपके जवाब बिल्कुल ठीक है. एक्चुअली देयर इज नो मेथड. पेशेंट जरूर फिर भी बात पूछता है. सो यू हैव टू वेरी काउंसलर एम्पैथेटिकली. इस मतलब जाहिर है एक बेबी एक्सपेक्ट करते हुए कि वो सही सलामत उसके हाथ में आएगा और हम अब वो बेबी बिल्कुल कहीं से उसके हाथ में सही नहीं आ रहा है. तो कंजेनिटल एनोमली की काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है. ओके, तो आपने बता दिया कि नहीं है, तो हाउ यू गोइंग टू अबॉर्ट द बेबी? मैम 32 वीक्स है तो कॉन्ट्रैक्शंस देनी पड़ेंगी. यस, सो यू आर गोइंग टू इंड्यूस द लेबर. शी इज हैव गोइंग टू हैव लेबर ना. इंडक्शन ऑफ लेबर करेंगे. कैसे करेंगे? मैम प्रोस्टाग्लैंडिन से. प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स. क्या बात. सो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग देते हैं. और इसमें एक और इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है जो मैं अपने सारे पीजीज को कहती हूँ और आप लोगों को भी जहन में याद रखना है कि आपने कहना है थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो सकता है. एकदम से नहीं लेबर स्टार्ट होता बिकॉज प्री मेच्योर, जैसे मैंने आपसे कहा था, विद टर्म चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं. 39 वीक्स 40 वीक्स पे लेबर के चांसेस सक्सेस के इंडक्शन के बहुत ज़्यादा होते हैं. इस स्टेज पे कम होते हैं. तो आई टेल पेशेंट्स इट माइट टेक 2 to 3 डेज फॉर यू टू गेट डिलीवर्ड. तो आपने परेशान नहीं होना, जस्ट कीप ऑन, आपको ड्रग्स देंगे, रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता है. सो यू गोइंग टू इंड्यूस द लेबर विद प्रोस्टाग्लैंडिन. शाबाश. ओके, सो अगर इसके अलावा आपका कोई भी पेशेंट हो जिसकी लाइकर रिड्यूस्ड है, तो जाहिर है इटियोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है. इटियोलॉजी में जैसे इसमें तो रीनल एजेनेसिस था, अगर ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन की रीज़न ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, तो रीज़न हो जाएगी. जेस्टेशनल एज कितनी है पेशेंट की, बाज़ा पॉलीसिस्टिक किडनी होती है, जैसे मैंने आपको यूरेथ्रल वैल्व बताया, उस पर बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है भाई, मैं ऐसे तो बड़ी मुश्किलों से लिया जाता है हमेशा. सो इट इज, इट ऑल डिपेंड्स. आपकी लिक्रीज वॉल्यूम जिन पेशेंट्स का है, ऐसे डिपेंड करता है. ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं पॉलीहाइड्रोमनियोस की तरफ. ये हो गया ऑलिगो, किडनी में प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर की वजह से यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशियंसी हो रही है. अब लाइकर प्रोडक्शन या तो बढ़ गई है कि किडनी उसकी बहुत बढ़ा रही है. ज़्यादातर कॉजेज इसमें ये होते हैं, चलो पहले डायग्नोसिस, 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा पॉकेट है. एमनोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज 95th सेंटाइल या 24 सेंटीमीटर से ज़्यादा ई एफ आई है, 25 सेंटीमीटर ज़्यादा. इनमें से कोई भी क्राइटेरिया है, पेशेंट जनरली डिस्कम्फर्ट से प्रेजेंट करता है. उसको जहर जितना पानी ज़्यादा हो जाएगा, मदर को डिस्निया शुरू हो जाता है, मदर बार बार डिस्कम्फर्ट में चली जाती है अगर बहुत ज़्यादा पॉलीहाइड्रोमनियोस हो. अगर ना हो तो फिर आप जेन उस पर अल्ट्रासाउंड पर डिटेक्ट होता है, माँ को कोई सिम्टम नहीं आ रहा होता. इट कॉम्प्लिकेट्स 3.5% ऑफ प्रेगनेंसीज, ज़्यादा नहीं है. मेटर्नल रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट डायबिटीज मेलाइटिस है. डायबिटीज मेलाइटिस में जाहिर है कि आपका जो फ्लूइड है वो बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द ट्रांसड्यूसर इंक्रीज पैसेज फ्रॉम प्लेसेंटा, माँ के वेसल से फ्लूइड ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है. ठीक है, प्लेसेंटा दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न जो है ना एनोमलीज है. लेकिन आप ये देखिए कि इन सारे रीजन से मेटर्नल प्लेसेंटल रीजन में इडियोपैथिक सबसे कॉमन. 65% प्रेगनेंसीज में कोई रीज़न भी नहीं होता और एक्सेसिव प्रोडक्शन शुरू हो जाती है लाइकर वॉल्यूम की. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है टू यू टू रिमेंबर, क्योंकि हमेशा एनोमली नहीं होती. और जब भी मदर पेशेंट आता है विद पॉलीहाइड्रोमनियोस, मैं उसको इतनी एनजाइटी सब दे चुके होते हैं कि ज़रूर बच्चे में कोई डिफेक्ट है. 18% सिर्फ फीटल रीजन है. 18% फीटल नॉर्मली ऐसी, इसमें दो ही एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, जी आई ट्रैक की स्वॉलोइंग मैकेनिज्म खराब हुआ हुआ है. स्वॉलोइंग मैकेनिज्म खराब होने की दो ही एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, या तो इसोफेजियल एट्रीजिया या फिर उसका ड्यूडिनल एट्रीजिया, और तीसरा एनेनकेफेली है. ये तीनों चीज़ें अल्ट्रासाउंड पर बड़ी ईजिली विजिबल होती हैं. तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इंडिकेशन ऑफ टर्मिनेशन नहीं होती है. यू जस्ट हैव टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, और कंटिन्यूएशन में जो तरीके हैं वो मैं आपको बता दूंगी, एंड दस बेबी का आउटकम जनरली ठीक ही होता है. सो कॉजेज में फीटल मेल फॉर्मेशन में जी आई एबनॉर्मेलिटी सबसे इम्पोर्टेंट. ठीक है, या सी एन एस कैनन कैपली है, या ट्विन टू ट्विन ट्विन तो आपको नजर आ ही जाता है. ठीक है, हाइड्रॉप्स फिटालिस भी हो सकता है, और डायबिटीज में ऑस्मोटिक डायग्रेसिस होता है जिस बच्चे डायबिटिक हो जाए. ठीक है, लो जी, अब ये हो गया आपका ट्विन टू ट्विन, ये एनेनकेफेली है, आपको बड़े आसानी से अल्ट्रासाउंड पे नजर आ जाता है कि बच्चे का सर ही नहीं बना हुआ. सर नहीं बना हुआ तो जाहिर है उसका स्वॉलोइंग मैकेनिज्म भी डेवलप नहीं होता. सो दैट लीड्स टू पॉलीहाइड्रोमनियोस. इसोफेजियल एट्रीजिया भी अल्ट्रासाउंड पे साफ नजर आ जाता है. इसोफेजियस
नीचे से बेबी से उससे स्टमक से कनेक्टेड ही नहीं होता। जाहिर है यहाँ से अगर कनेक्टेड नहीं है तो सॉलो बच्चा कर ही नहीं पाएगा, तो सॉलो नहीं करेगा तो यहाँ जमा होना शुरू हो जाएगा, या नीचे ड्यूडेनम एट्रीजिया हो जाता है फिर वो सॉलो नहीं कर सकता। सॉलोइंग मैकेनिज्म जहाँ खराब होगा वहाँ पे फीटल मैलफॉर्मेशन की वजह से ये ट्रबल आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब फीटल रिस्क क्या हो सकते हैं? जाहिर है कि हमने जैसे कहा कि एक तो कंजेनिटल एनोमलीज आपको पता चल गई कि बच्चे में है, बोथ आर एमिनेबल टू सर्जरी, बाद में सर्जरी करके बच्चों की ये दोनों एबनॉर्मेलिटीज ठीक कर दी जाती हैं एक्सेप्ट फॉर एनेनकैफली। एनेनकैफली नीड्स टर्मिनेशन। अब चूंकि ये लाइकर वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है तो स्ट्रेचिंग यूट्रस की बहुत सारी शुरू हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है वॉल, सो प्री टर्म लेबर का चांस होता है। दूसरा कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकती है, मैल प्रेजेंटेशन हो सकती है, प्रोलॉन्ग लेबर, पेरिनेटल मोर्टेलिटी। कॉर्ड प्रोलैप्स क्योंकि लाइकर वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो बच्चा फ्लोट बहुत होता है तो कभी कभी कॉर्ड नीचे आ जाती है इंस्टेड ऑफ बेबीज हेड। अनस्टेबल लाई होती है और पेशेंट जाहिर है बाद में ये टोनी में भी जा सकता है। यूट्रस ओवर डिस्टेंशन की वजह से लेबर बहुत प्रॉपर नहीं होती। क्लिनिकल सिनेरियो में पेशेंट आता है आपके पास 30 वीक्स पे, हिस्ट्री ऑफ डिस्निया, अनेबल टू लाई डाउन, पेशेंट का पेट दूर से देख के आपको नजर आ जाता है कि इट इज पॉलीहाइड्रोमनियोस। जब पेशेंट बैठी होती है तो ऑब्वियसली इतना बड़ा पानी दिमाग पेट को स्ट्रेच कर रहा होता है, डायफ्राम को प्रेस करता है, तो मदर्स आर हैविंग डिस्कम्फर्ट। ठीक है, पेशेंट की मार्केटली डिस्टेंडेड एब्डोमेन होता है जब ज्यादा पॉली हो, मतलब ऑब्वियसली टेंस, शाइनी, हाइट ऑफ फंडस ज्यादा होती है, एंड फीटल पार्ट्स आर नॉट जनरली वेल डिफाइंड। पैल्पिटेशंस आर कॉमन, जाहिर है जितना घूम फिर रहा है बच्चा वो कभी सेटल नहीं करेगा, कभी सेफेलिक ब्रीच कुछ भी हो जाएगा बिकॉज इट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ फ्लूइड इनसाइड। सो इन्वेस्टिगेशंस आपकी वही रूटीन है, अल्ट्रासाउंड हिस्ट्री आपने ले ली, पेशेंट का डिस्कम्फर्ट पूछ लिया, एग्जामिनेशन कर लिया और अल्ट्रासाउंड पे आपने डायग्नोज करना है और सेवेरिटी ऑफ पॉलीहाइड्रोमनियोस एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है फीटल मैलफॉर्मेशन। ठीक है, दो चीजें आपने डिफ्रेंशिएट करनी है, और अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो आपको कोरियोनिसिटी एस्टैब्लिश करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि डाइकोरियोनिक की कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होती हैं और मोनोकोरियोनिक की बहुत ज्यादा होती है। और ट्विन प्रेगनेंसी में मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि जब भी पेशेंट शुरू में ही आए उसकी कोरियोनिसिटी एस्टैब्लिश करके काउंसिल कर दें उसकी कॉम्प्लिकेशन। तो मेरे पास पेशेंट मोनो दे बिलोंग टू ये मीडिया ग्रुप, मीडिया के हैं वो लोग, और उनको कोरियोनिसिटी फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश नहीं हुई थी। मैंने कहा था दूसरी दफ़ा जब आपकी एस्टैब्लिश होगी उसके बाद बीच में वो आए ही नहीं, तो मैंने उनको बताया कि मोनोकोरियोनिक होंगे तो कॉम्प्लिकेशंस का रेट ज़्यादा होगा और बच्चे में ये प्रॉब्लम आ सकती है। उनमें से एक उनके ट्विन की डेथ हो गई, दूसरा ट्विन ठीक। मेरे पास 3-5 लोग, जाहिर है एक लड़की उनकी जियो में, एक पता नहीं कहाँ, उन्होंने कहा जी आपने तो हम मतलब ये बच्चे की डेथ क्यों हुई। मैंने कहा यार मतलब बच्चे की डेथ इसलिए हुई है कि वो मोनोकोरियोनिक ट्विन से, इसमें चांस होता है डेथ होने का। उन्होंने तो मुसीबत ही डाल दी कि मेरा दूसरा बच्चा भी मर जाएगा डॉक्टर साहब और आप बैठी देखती रहेंगी, पहले भी एक बच्चा मर गया, आपने हमें सही तरह काउंसिल ही नहीं किया। मैंने कहा यार मैं रिकॉर्ड ही कर सकती हूँ काउंसलिंग क्योंकि मैंने आपको बताया था कि देर इज अ चांस, लेकिन आप जाहिर है ऐसा मदर सुनना नहीं चाह रहे होते ना कि बच्चा मर जाएगा, आप तो यही सोच रहे होते हैं कि अच्छा ही होगा, ट्विंस की कॉम्प्लिकेशंस होती है पर नहीं होती। बट यू हैव टू टेल पेशेंट्स, आजकल मतलब डॉक्टर पे ट्रस्ट कम हो गया लोगों को और अल्लाह ताला पे तो और कम होता जा रहा है कि साइंस की तरक्की में सब कुछ सही हो जाना चाहिए और डॉक्टर का ही कसूर है कि उसने मतलब आई लिटरली फेल्ट कि जैसे मोनोकोरियोनिक ट्विन उसका मैंने ही निग्लेक्ट से उसकी आईयूडी कर दी, तो इट कैन हैपन। ठीक है, तो काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप तुम लोग जिस दौर में बड़े हो रहे हो, डॉक्टर्स बन रहे हो, इट्स अ वेरी टेंस दौर। हम तो बड़े अच्छे वक्तों में जी गए जब हम कहते थे बस ये हो जाएगा, मरीज कहता था हाँ हो गया। इन एनी केस, सो विजिट्स रेगुलर करनी पड़ती है। मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है पॉलीहाइड्रोमनियोस की अगर कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है? अगर एबनॉर्मेलिटी है तब भी एनेनकैफली के अलावा अगर फीटल एट्रेजिया भी है, ड्यूटेरल एट्रेजिया भी है, तो वी हैव टू उसको टर्म तक तो लेके जाना है ना पॉलीहाइड्रोमनियोस को, ताकि वो टर्म पे डिलीवर हो और फिर उसकी सर्जरी हो। प्री टर्म की अपनी प्रॉब्लम्स बहुत सारी, तो इंडोमेथासिन कैन बी गिवन सेफली अप टिल 34 वीक्स, इट डिक्रीजेस यूरिन प्रोडक्शन ऑफ द फीटस। तो इंडोमेथासिन अवेलेबल है, इंडोसिट के नाम से आती है, 25 मिलीग्राम की है, इसको 3 times a डे हम स्टार्ट कर देते हैं एज सून एज पॉलीहाइड्रोमनियोस डिटेक्ट हो जाता है। इडियोपैथिक में भी हेल्पफुल है और जाहिर है फीटल एनोमली में। अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज कंट्रोल करेंगे तो उसकी ऑस्मोटिक डायूरेसिस रुक जाएगा।
एमन्यू रिडक्शन इज वन मेथड. बाज दफा हर दो हफ्ते बाद हर हफ्ते पेशेंट को बुला के 1 से 2 लीटर पानी निकालना पड़ता है. ऑल दो वो भर फौरन जाता है क्योंकि फीटल प्रोडक्शन तो साथ साथ चल रही है ना, जैसे मैंने आपको बताया डेली, बट कुछ देर के लिए पेशेंट रिलीफ हो जाता है. कई दफ़ा हफ्ते में 2 दफ़ा पानी बार बार 1 से 2 लीटर निकालना पड़ता है टू टेक द प्रेगनेंसी टू टर्म. तो एम हमारा ये है कि डिलीवरी एट टर्म हो. वजाइनल डिलीवरी इज द रूट ऑफ चॉइस. पॉलीडोमियोसिस इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ सीजेरियन सेक्शन. आपको इंडक्शन करनी पड़ती है कभी कभी, तो उसका तरीका ये होता है कि पहले आप पानी निकाल लें अल्ट्रासाउंड गाइडेड. हम जब डिलीवरी करने का प्लान होता है 2 से, ये तो खैर ट्विन की पिक्चर है, वरना हम 2 से 3 लीटर पानी निकाल देते हैं और फिर उसके बाद पेशेंट को इंड्यूस कर देते हैं. और इंडक्शन के साथ तो कोशिश करते हैं कि एक्सटर्नल कफेलिक वर्जन करके ईजी होती है, क्योंकि बच्चा इतना फ्लोट कर रहा होता है, कफेलिक प्रेजेंटेशन कर दें और पेशेंट को इंड्यूस कर दें. कॉन्ट्रैक्शंस यूं ही आती हैं, लाइकर थोड़ा कम हो जाता है तो बेबी स्टेबलाइज हो जाता है और डिलीवर्स विजाइनली. सो टेक होम मैसेज ये है कि नॉर्मल AFI आपको पता होना चाहिए, कम हो या ज़्यादा हो दोनों की मैनेजमेंट डिफरेंट हैं, दोनों के कॉजेज डिफरेंट हैं. ऑलिगोहाइड्रोमियोस के कॉजेज ज़्यादातर हाइपरटेंशन, यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशेंसी या इडियोपैथिक या किडनी रिलेटेड है. और पॉलीहाइड्रोमियोस के कॉजेज मैटरनल में फीटल में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, वो उसकी एनोमलीज हैं, ठीक है, उसकी गट की एनोमलीज हैं, वो सॉलो नहीं कर रहा है. और 65% इडियोपैथिक है. फिर बता दो तो इडियोपैथिक का डायग्नोज प्रोग्नोसिस और पॉली, इन दोनों का प्रोग्नोसिस बिल्कुल सही है कहना चाहिए जिसमें, और दोनों एमिनेबल टू सर्जरी हैं. प्लान यही होना चाहिए कि अगर इसमें कोई ऐसी रीनल एबनॉर्मेलिटी नहीं है जैसे पॉलीसिस्टिक किडनीज है या रीनल, तो इनको टर्म तक ले जाने की कोशिश करें. टर्म डिलीवरी इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद गुड प्रोग्नोसिस. डिफिकल्ट ज़रूर होता है, पेशेंट की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये सब की सब अगर टाइमली डिटेक्ट हो जाए और टाइमली ट्रीटमेंट हो जाए तो पेशेंट कैन बी सेव्ड. पॉलीहाइड्रोमियोस में रिपीटेड एमनियो रिडक्शन और इंडोमेथिसिन हैव रोल इन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी. जी जनाब, एनी क्वेश्चंस?